नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 और 19 सितंबर के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, के साथ बात करते हैं यशमय घरों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर राशि में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, 18 सितंबर की बात करें तो शनिवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी और इस दिन गणेश का नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, योग की बात करें तो शुक्रवार नाम का शुभ योग और धृति नाम का शुभ योग रहेंगे। ये आपके घर के माहौल के लिए और आपके करियर के लिए बहुत ही लाभकारी स्थितियां लेकर आएंगे। वही दोस्तों, इन राहुकाल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप यह समय कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा सुबह के 9:19 से लेकर सुबह के 10:50 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन मकर राशि के उपरांत कुंभ राशि में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो दोस्तों, इन दिन रविवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और इस दिन सद्मिर्षा नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, योग की बात करें तो इस दिन सूर्य नाम का शुभ योग रहने वाले हैं। वही दोस्तों, इन दिन राहुकाल का समय होगा शाम के 4:52 से लेकर शाम के 6:22 तक। और दोस्तों, चंद्रमा इस दिन भी कुंभ राशि पर संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यश में जीवन साथी का सहयोग प्राप्त हो सकता है, शत्रु पक्ष समान स्थिति में रहेगा, किसी तरह का तनाव उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों फिर भी यश में आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। भूमि वाहन इत्यादि की सुख सुविधा यश में प्राप्त होने की संभावना बन रही है। वही दोस्तों, यश में नेगेटिव को लेकर बात करें तो ग्रही स्थितियाँ आपके भीतर विदेश में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने संबंधित उत्सुकता जो है पैदा कर सकती है, यानी कि दोस्तों आप विदेश जाकर पढ़ाई करने की भी अपने मन में चाह बना सकते हैं। इस समय जो है आप इस बातों का ध्यान रखते हुए जो है ठोस प्लानिंग भी बनाकर रखेंगे। मंगल राहु की युति न केवल वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करेंगी बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित करेंगी। दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए उन कामों के प्रति सतर्क रहने का समय होगा जिनको लेकर आप कुछ समय से निराश हैं। आपको अपने उम्मीदों की दामन जो है इसमें नहीं छोड़ना चाहिए, जो आप चाहते हैं जल्द ही आपको मिलने के योग बन सकती हैं। दोस्तों, यह समय किसी भी तरह से अपने ऊपर नकारात्मकता का जो भाव है उनको उन्हें हावी न होने दें। यह समय जो है इन दिनों में दोपहर के बाद जो आपका समय जो है बिल्कुल आपके फेवर में हो सकता है। कुछ पुराने शोधों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी इन दिनों में देखने को मिल सकता है, या फिर कोई पुराना जो अटका हुआ पेशा था आपको यश में वापस मिल सकता है। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों बिजनेस में आपको डूबे हुए धन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। कुछ ऐसे अवसर भी आपको यश में मिल सकते हैं, इन दिनों में आपका अटका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। दोस्तों, यश में इन दिनों में यदि आप कामकाज से संबंधित बाहर की यात्रा करने का जो प्रयास कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें आप यश में सफल हो सकते हैं, आप प्रयास करना जारी रखें। दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो विवाह में विलंब होगा, प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, किसी महिला या पुरुष के प्रति आकर्षण से बचें, अन्यथा वैवाहिक जीवन में जो है परेशानियाँ पैदा हो सकती है। दोस्तों, इन दिनों में आपका प्रेमी आपके साथ यात्रा की योजना भी बनाएगा, उनके विचारों का आप यश में समर्थन करें और उन्हें अपने दिल से जो है प्यार करें। वही दोस्तों, यश में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो बाहरी खाने से आप यश में बचने का प्रयास करें। दोस्तों, आपको गैस्ट्रिक ट्रबल्स जैसी समस्या हो सकती है। दोस्तों, यश में खुद का स्वास्थ्य और माता पिता का स्वास्थ्य
आपके समय और धन की जो है मांग करेगा। यानी दोस्तों यश में आपको जो है स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना चाहिए। यश में अपने माता पिता का आप ख्याल भी रखें, उन्हें भी कोई परेशानी यश में हो सकती है। वहीं दोस्तों यश में आप में संवेदनाशीलता और भावुकता का मात्रा अधिक रहेगा, इसलिए गणेश जी आपको भावनाओं पर अंकुश रखने के लिए कहते हैं। आपके जीवन में भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और दोस्तों उन्हें आप अच्छी तरह प्रकट भी कर सकेंगे और उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। वहीं दोस्तों यश में आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें, दोस्तों यश में रख रखाव गतिविधियों की शेड्यूलिंग करने का सही समय रहेगा। दोस्तों यह समय सभी गतिविधियों के समन्वय करते समय आप सतर्क रहें। दोस्तों आपको जो है लंबे कार्य पर ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। गणेश जी का मानना है कि मल्टीटास्किंग से आपको कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन करने में भी यह समय मदद मिलेगी। वही दोस्तों यश में आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो समझौता आपके प्रेमी जीवन में अहम भूमिका निभाएगा। जब आप त्याग करना सीखते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों अपने साथी की नज़रों में आप अभी भी अपरिपक्व रहेंगे। दोस्तों आपका हरकतें यश में आपके साथी को नागवार लग सकती है, आप उनकी जीवन शैली को अपनाने के लिए तैयार रहेंगे। वह दोस्तों यश में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो अचानक से अपने दोस्त को आप खुश करने के लिए कुछ पहल कर सकते हैं, जैसे कि आप उन्हें मूवी दिखाने भी ले जा सकते हैं। दोस्तों यश में आपका उत्साह जो है देखने लायक रहेगा। लेकिन दोस्तों गणेश जी आपको सलाह देते हैं कि आप बदले में बहुत ज़्यादा उम्मीद न करें। वहीं दोस्तों यश में इन दिनों में नए संबंधों को बनाने और नए रखने में आप जो है अधिक समय और ऊर्जा लगाएंगे। अपनी जो है मित्र मंडली का विस्तार करके कुछ नया करने की एक तीव्र इच्छा आपके मन में यश में जाग सकती है। दोस्तों यश में चीज़ों के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करते समय आप यात्रा भी करेंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में खाते पीते वक्त आप सावधान रहें, लापरवाही बीमारी की वजह बन सकती है। रुका हुआ धन आपको मिलेगा और आर्थिक हालात में भी यश में सुधार आएगा। दोस्तों इन दिनों में आप अपने परिचितों पर अपने फैसले थोपने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आप अपने हितों को ही नुकसान पहुंचाएंगे। हालात का सामना धैर्य से करना ही अच्छे परिणाम दे सकता है। दोस्तों यश में प्रेमपूर्ण मनोभाव में होंगे, इसलिए दोस्तों आप जो है अपने पीर के साथ कुछ अच्छा समय बिताने की योजना भी बना सकते हैं। दोस्तों यश समय के शाम तक आपको कहीं दूर से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। आपका जीवन साथी बिना जाने कुछ ऐसा खास काम कर सकता है जिसे आप कभी भुला नहीं पाएंगे। तो इन दिनों में आपके बात करने का तरीका बहुत खराब हो सकता है, जिसकी वजह से समाज में आप जो है अपना मान सम्मान भी खो सकते हैं। दोस्तों यश में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने वाणी पर संयम रखें, कोई भी बातों को विनम्रता से कहें। वहीं दोस्तों इन दिनों में हल्दी की एक गांठ, पीपल के 5 पत्ते, 1.25 किलो पीली दाल, केसर, सूर्यमुखी का एक फूल, पीले वस्त्र, यह सारी सामग्री किसी ब्राह्मण को जो है श्रद्धापूर्वक आप दान करें। इससे दोस्तों आपका पारिवारिक जीवन है यश में बहुत ही बेहतरीन होगा। तो दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण और भाग्यशाली टोटके के बारे में। दोस्तों इन दिनों में आप बाहर से जब भी अपने घर में प्रवेश करें तो दोस्तों कभी खाली हाथ अपने जो है घर में प्रवेश ना करें। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आप प्रवेश करें, चाहे वो पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। इससे दोस्तों आपके घर में जो है माँ लक्ष्मी का वास रहेगा, क्योंकि दोस्तों खालीपन जो है दरिद्रता का नक्षत्र होता है। दोस्तों अगर खाली हाथ आप घर में जाएंगे तो दरिद्रता और अधिक बढ़ेगा। अगर आप घर में कुछ लेके जाते हैं तो दोस्तों आपके घर से कुछ आने की संभावना अधिक रहेगी, आखिर से कुछ जाने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो दोस्तों और इससे अधिक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों अधिक जानकारियाँ आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।